सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि थॉर मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर और सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, और कुछ महीनों के अंदर हमें थॉर लव एंड थंडर भी देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड हूँ। अब ये बात तो निकल के आती है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमने थॉर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखा है, बट स्टिल कॉमिक्स के कंपैरिजन में थॉर उतना ज़्यादा पावरफुल हमें लाइव एक्शन में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि कॉमिक्स में ऑब्वियसली हर अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड होता है। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर अपन नज़र डालने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर कॉमिक्स के अंदर हमें थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है, और उसके कुछ कह सकते हो कि यूनिक और कुछ पॉपुलर फीड्स के थ्रू अपन जाएंगे। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेसिफिकली थॉर के फैंस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो एज वी ऑल नो कि थॉर ओडिनसन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, वो एक नॉर्स गॉड है, जिसकी वजह से उसके पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी है। वो गॉड लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी पजेस करता ही है। पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में थॉर के पास वेदर मैनिपुलेशन और लाइटनिंग को चैनलाइज करने की एबिलिटी भी निकल के आती है। और म्योनीर थॉर का एक मेजर पावर अप है, जहां म्योनीर के बिना लिटरली थॉर अधूरा है। अब थॉर के कुछ फीड्स के ऊपर अपन नजर डालेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि थॉर हमें कॉमिक्स में कितना पोटेंशियल दिखाते हुए नजर आया है, क्या क्या चीज़ें उसने की हैं, और ऑब्वियसली मैं यहाँ थॉर के बेस वर्जन को ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो जब थॉर की फाइट गॉड द गॉड बुचर से हो रही थी, तो उस टाइम अनइंटेंशनली ही थॉर ने जो है मून्स पे ग्रेट डैमेज डील की थी, काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें डैमेज कर दिया था अनइंटेंशनली, और वो चीज़ जो है कह सकते हो कि हमें दिखाती है कि थॉर और गॉड की फाइट में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। साथ ही साथ ये देखा जाए तो कॉमिक्स में ये भी स्टेट किया गया है कि म्योनीर के मदद से एक्चुअल में थॉर अपनी स्ट्रेंथ का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर पाता है, जिसके बाद वो लिटरली प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड विदाउट म्योनीर वो कह सकते हो कि जो कुछ भी परफॉर्म करता है वो सिर्फ उसकी हाफ ऑफ स्ट्रेंथ ही रहती है, जो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ एरिक मास्टरसन और बीटा रेबिल, थॉर और इन दो कैरेक्टर्स ने मिलके कह सकते हो एक हद तक इनडायरेक्टली एक इंटायर यूनिवर्स को कई टाइम तक होल्ड करके रखा था, जो चीज़ इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इनकी पावर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती है। अब हम लोग को पता है कि थॉर का एक काफ़ी पावरफुल अटैक है, जिसे अपन गॉड ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और कॉमिक्स में थॉर ने ये खुद कहा था कि गॉड ब्लास्ट इतना ज़्यादा केपेबल है कि वो ऑलमोस्ट ईगो द लिविंग प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। अगर देखा जाए तो थॉर ने जो है कह सकते हो कि कई बार अपनी विंड मैनिपुलेशन की एबिलिटी दिखाई है, क्योंकि वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक मोमेंट पे जब कॉमिक्स में थॉर की फाइट ग्लोरी से हो रही थी, तो थॉर ने जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड्स के विंड को अनलीश करके दिखाया था, जो एक बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म का मोमेंट था। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थॉर ने बस अपने सिंगल पंच के साथ ही अबोमिनेशन को नॉकआउट कर दिया था, जो अगेन एक काफ़ी कह सकते हो कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और इस वजह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थॉर ने गिलगमिश के साथ फाइट की है और उसे ओवरपावर्ड करके भी दिखाया है, जहां कॉमिक्स के अंदर गिलगमिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो लिटरली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कह सकते हो कि स्ट्रेंथ होल्ड करता है। इतना ही नहीं, कॉमिक्स में ये तक स्टेट किया जा चुका है कि थॉर ओडिनसन ईजिली जो है स्मॉल प्लैनेट्स को बेंच प्रेस कर सकता है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमें पता है कि थॉर ने इससे भी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करके कॉमिक्स में दिखाई है। देखा जाए तो कॉमिक में एक बार एक हंगरी गैलेक्टस ने ये स्टेट किया था, ये कह सकते हो कि एडमिट किया था कि थॉर का गॉड ब्लास्ट उसे उस मोमेंट पे मार सकता था, यानी कि अगर गैलेक्टस वीक हुआ, हंगरी हुआ, तो उसे जो है थॉर के गॉड ब्लास्ट के थ्रू मारा जा सकता है, जो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि गैलेक्टस खुद में ही बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि सर्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ ओडिन भी इससे फाइट लेने से सोचेगा, बट स्टिल थॉर ने सर्टर को बराबरी की टक्कर दी है कॉमिक्स में, वो भी मल्टीपल टाइम्स। साथ ही साथ कॉमिक्स में ये तक बताया गया है कि थॉर के जो स्टॉर्म्स की क्रिएशन है, क्योंकि थॉर वेदर मैनिपुलेशन कर सकता है ऑब्वियसली, तो थॉर इतने ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है जो लिटरली दूसरे रियल्म्स तक में महसूस किए जा सकते हैं, जो अगेन एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, थॉर की पावर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती है। ये सब भी अगर कम पड़े तो कॉमिक्स में एक मोमेंट पर थॉर ने एक ऐसे वेपन की कह सकते हो कि फोर्स को ओवरपावर्ड किया था, जो लिटरली ग्रेविटी को इनफाइनाइट लेवल पर इंक्रीज कर सकती थी, और ये चीज़ थॉर के एंड्योरेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाती है। अगर फिर से एंड्योरेंस के ऊपर आएँ तो थॉर ने ग्रेविटी मीटर अट्रैक्शन नाम के एक वेपन को कह सकते हो उसके फोर्स को ओवरपावर किया था, जिसका फोर्स एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन स्टार के बराबर था, जो अगेन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। इतना ही नहीं, थॉर क्योंकि कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसने जो है लिटरली 20 प्लैनेट्स के प्रेशर को, वेट के प्रेशर को विदस्टैंड करके दिखाया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हरक्यूलिस मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें ग्रीक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के पे देखने को मिला, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही गजब किस्म की है, और थॉर ने कॉमिक्स में हरक्यूलिस की फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच करके भी दिखाया है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जब एक बार कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस आर्म रेसलिंग कर रहे थे, तो उनके आर्म रेसलिंग करने के दौरान, उनके कह सकते हो कि उस फोर्स के दौरान जो है प्लैनेट अपने ऑर्बिट से घसक चुका था, जो लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी चीज थी।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो थॉर क्योंकि जो है कह सकते हो कि लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है, तो उसकी लाइटनिंग अटैक्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो डेथ सीट सेंट्री को हर्ट कर चुका था उसकी मदद से। और डेथ सीट सेंट्री सेंट्री का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन था जो लिटरली सेलेस्टियल्स तक को लिफ्ट कर सकता है। सेलेस्टियल्स की बात निकली है तो थॉर ने एक बार एग्जिटार द एग्जीक्यूशनर नाम के काफ़ी पावरफुल सेलेस्टियल्स से फाइट की थी और लिटरली उसके स्कल तक को क्रैक करके दिखाया था, जो एक काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है। अब अगर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के ऊपर आएँ तो थॉर ने जो है कॉमिक्स में एक मोमेंट पे मिडगार्ड सर्पेंट को जो है लिफ्ट करके दिखाया था, जिसका कह सकते हो कि साइज़ अर्थ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वेट हंड्रेड्स ऑफ सेक्सट्रिलियन टन्स था, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। इतना ही नहीं, थॉर ने जो है ओडिन फोर्स के लिटरल लिविंग इनकारनेशन से फाइट की थी, जो कोई छोटी मोटी चीज़ निकल के नहीं आती है क्योंकि ऑलरेडी थॉर ओडिन से भी फाइट कर चुका है और ओडिन फोर्स कितनी पावरफुल है वो तुम लोग जानते ही हो। थॉर ने कैजुअली एडमेंटियम केबल्स को स्नैप करके दिखाया, उससे ब्रेक फ्री होकर दिखाया है। जो वुल्वरीन के हमें क्लॉज देखने को मिलते हैं वो भी एडमेंटियम ही है, तो तुम समझ सकते हो कि थॉर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ थॉर ने सिल्वर सर्फर के साथ फाइट की है, सिर्फ उसे फाइट ही नहीं की है बल्कि सिल्वर सर्फर के एक हद तक कह सकते हो कि इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्स फील्ड क्रिएशन तक को जो है ओवरपावर करके दिखाया है, उसने उसके बनाए गए फोर्स फील्ड को भी डिस्ट्रॉय किया है। थॉर ने कॉमिक्स में हाइपीरियन के साथ भी फाइट की है और इवन हाइपीरियन को भी काफ़ी बुरी तरीके से डिफीट किया है। इतना ही नहीं, कॉमिक्स में एक मोमेंट पे तो थॉर ने लिटरली रेड हल्क को ब्लैक होल से पुल आउट करके निकाला था, जो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ निकल के आती है। इवन थॉर ने एक बार कॉमिक्स में वीक्ड आतुम को भी डिफीट किया था उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए। अब अगर तुम्हें आतुम के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है, ये बेसिकली एक एल्डर गॉड लेवल का बंदा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो थॉर की रॉ पावर को कह सकते हो कि ये फीट शो करती है। साथ ही साथ थॉर ने लिटरली इंटायर वर्ल्ड इंजन को पुश किया है, और इनके अगर तुम्हें पता नहीं है तो वर्ल्ड इंजन डायरेक्टली यग्द्रासिल से कनेक्टेड है, जहां यग्द्रासिल नाइन रियल्म्स कंटेन करता है, यानी इनडायरेक्टली एक हद तक तुम कह सकते हो कि थॉर ने नाइन यूनिवर्सेस को पुश करके दिखाया है। साथ ही साथ थॉर ने जो है एक फाइट के अंदर मिनोटॉर को जो है कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी फिजिकल फाइट दी और उसे डिफीट करके भी दिखाया, और ये फीट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिनोटॉर की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे कई बार हल्क से कंपेयर किया गया है। इतना ही नहीं, अगर हल्क की बात निकल के आई है तो थॉर ने एक बार हल्क के एक एम्ड वर्जन से फाइट की थी, जिसके पास एसगार्डियन गॉड्स की पावर आ चुकी थी, एंड उसके बावजूद भी थॉर ने उस हल्क के वर्जन को डिफीट करके दिखाया था, जो एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ निकल के आती है। इसके अलावा भी थॉर के हमें कॉमिक्स में काफ़ी सारी फीट्स देखने को मिली है, जो ये बताती है कि थॉर कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है, और अगर थॉर के डिफरेंट वर्जन के ऊपर आ जाएंगे तो थॉर के जो डिफरेंट वर्जन हमें कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, भले रून किंग थॉर हो या ओल्ड किंग थॉर, तो उनकी एबिलिटीज़ उनकी फीट्स तो और भी ज़्यादा क्रेजी है। बट अभी हमें इतना पता चल जाता है कि इन फीट्स को भी अगर नज़रअंदाज नहीं करोगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि थॉर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले अपन फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें या फिर ओवरऑल उसको पावर के लेवल के हिसाब से भी देखें, जहां थॉर आसानी से सोलर सिस्टम टू ब्लैक होल लेवल पे स्केल किया जा सकता है। सो गाइज, ये थी वीडियो थॉर के ऊपर कि थॉर हमें कॉमिक्स में कितना ज़्यादा पावरफुल देखने को मिला है। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्सअप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनिमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे तुम मुझे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।